कहते हैं कि ये संधाई गांव के अंदर जो है, अभी अभी सूचना मिली थी कि चीता जो है एक सफेदे के पेड़ के ऊपर बैठा है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये यहाँ पर काफ़ी देर से यहाँ पर बैठा हुआ है। जैसे हमें सूचना मिली, हम यहाँ पर मौके पर पहुँचे और तमाम जो वन्य जीव प्राणी संरक्षण के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? क्या कुछ जानकारी देंगे? क्या आपको सूचना मिली थी? मेरा नाम जयविंदर नेहरा है, मैं डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर हूँ यमुनानगर का। और ये पैंथर एक ये पेड़ के ऊपर चढ़ गया, लोग यहाँ इकट्ठे हो गए ना, जी, तो डर के मारे वो तो नहीं रहा है। तो कितनी देर से सर चढ़ा हुआ ऊपर? ये कोई 11 बजे से चढ़ा हुआ है। 11 बजे से है, तो लोगों की दहशत से ये ऊपर चढ़ा है? नहीं, ये तो इसका घर है, जंगल है। अच्छा, जंगल है। तो ये लोग पेड़ पे भी रहते हैं क्या? पेड़ पे ही रहते हैं, और लोगों ने बताई अक्सर इसी पेड़ पे रहता है। इसी पेड़ पे रहते हैं। तो आज ये लोग इकट्ठे हो गए, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया ये, नहीं तो ये यही रहता है, इसी जंगल में रहता है। तो सर, उम्र क्या अनुमानित लग रही है? होगी इसकी उम्र 5 साल के आसपास। तो ये शिकार वगैरह भी करते हैं, इंसानों के लिए घातक हो सकता है? नहीं, अगर होता यहीं रह रहे और यहीं पड़ा बड़े तो किसी को आज तक क्यों नहीं खाया इसने। जी, तो लोग कह रहे हैं ये हर रोज दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये पड़ोसी है, इसका खेत है यहीं जंगल में। जी, ये लोग इनको देख रहे हैं, कभी किसी को नुकसान नहीं पूछा। ये तो बहुत शर्मीला जीव है। कितनी उम्र बताई जान बुझ के? हैं जी, उम्र कितनी सर इनकी? ये जंगल में वैसे 12-13 साल तक जीते हैं। तो मादा है सर, नर है? अभी तो इतनी दूर से तो नहीं पता लगे, क्योंकि ये तो दिख ही नहीं रहे ना। जी, बहुत ऊपर है, 50 फुट ऊपर है ना, इसको बेउंस किया जा सकता। अब वो कभी उस टहने पे चल जाता है, कभी उस पे चल जाता है, लेकिन नीचे नहीं आ रहा। अच्छा जी, तो आप काफी देर से यहाँ पर मौजूद हैं? हाँ जी। तो रेस्क्यू किया जाएगा इसको यहाँ से? नहीं, रेस्क्यू नहीं करेंगे जी, ये तो इसके यहाँ से तो जंगल है ना। अच्छा, जंगल में तो नहीं रेस्क्यू करेंगे। तो किसी से कोई ऐसी घटना नहीं सुनने को? नहीं नहीं, ऐसा कुछ। तो आम जन से क्या अपील करेंगे, जो लोग देखते हैं घबरा जाते हैं? लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो भीड़ इकट्ठी ना करें, और ये बड़ा शर्मीला जीव है, इसके बारे में अफवाह ना फैलाएं। कोई ऐसा घातक नहीं है, हमला नहीं? और ये तो इसका घर है, अभी आए थे लोग, कह रहे थे इसको पकड़ के ले जाओ। कहाँ लेके जाएं, क्यों लेके जाएं? हमने ये सड़क जंगल के बीचों बीच क्यों बनाई? अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर ये जीव आएंगे कहाँ, जाएंगे? ये तो नेचर का प्रोसेस है, नेचर। तो सर, फैमिली भी हो सकती है इसके साथ? फैमिली तो होगी ही, ये इसकी होम रेंज है, टेरिटरी है, तो हो सकता है सब कुछ हो। और ये यहाँ रहेंगे, यही इनका घर है। तो सर, आसपास के गांव वालों से अपील करेंगे कि ऐसी कभी भी दिखाई दे, पैनिक मत क्रिएट करें, हमला वगैरह नहीं करता। पता है यहाँ के लोकल लोग नहीं करते, ये देखो ये घूम रहा है, और भी जो किसान है तो वो भी यहाँ घूम रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है भी, लोग लोगों में कोई दहशत नहीं है इस टाइप की। वो तो लोग अपने आप ही कोई अफवाह बना रहे हैं, सब पब्लिक कह रही है, सारे किसान कह रहे हैं, हमें तो रोज दिखाई देता है। फ्रेंडली हो चुके हैं? फ्रेंडली हो चुके हैं बिल्कुल, और वो है भी ये दोस्त है। अब वो ये किसान इतने खुश है, कह रहे जी एक भी नीलगाय नहीं है यहाँ इनकी वजह से, पिछले 1 साल से, नहीं तो नीलगाय उजाड़ देती है खेतों। तो इनका साथ शिकार में क्या कुछ रहता है? शिकार में तो इनके छोटे जानवर, खरगोश है या कोई शुअर के बच्चे हैं, इस टाइप के मोर हैं यहाँ, शिकार इस यहाँ काफ़ी है, कमी नहीं है कोई भी किसी किस्म की। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये वन्य अधिकारी थे, वन्य जीव अधिकारी थे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो है ऊपर, अगर आप नज़र दौड़ाएंगे, अगर कैमरे में आप देख सकें, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चीता यानी कि पैंथर जो है काफ़ी देर से यहाँ पर फंसा हुआ है। हालांकि ये लोगों के जो डर की वजह से ऊपर बैठा हुआ है, और हमें सूचना मिली थी, हम यहाँ पर पहुँचे। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को शेयर करें, अगर आपको कहीं भी ऐसा वन्य जीव दिखाई दे तो उस पर हमला ना करें, उनको जो उनकी जगह जो है जंगल में है। और ये हम लोगों ने ही, जैसा सर ने बताया, हम लोगों ने ही उनके घरों के अंदर से रास्ते बनाए हैं, जिस वजह से ये लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं और सड़कों पर कई कबार आपको दिख जाते हैं। तो मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करें। संधाई के अंदर अक्सर ये खबर आती है कि चीता आ गया, तो पहले भी कई बार हमने आपको खबर दिखाई, तो आज फिर से हम यहाँ पर पहुंचे थे, ऊपर चीता है। कोशिश करेंगे, अगर सर ने इजाजत दी तो हम आपको क्लोजअप से भी दिखाएंगे, बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों, अभी हमें सर ने इजाजत दी है और हम जो है ड्रोन की मदद से जो है उस तेंदुए के पास पहुंचेंगे और आपको दिखाएंगे कि तेंदुआ क्या कुछ हरकत कर रहा है। ये है हमारा ड्रोन, ये भी जाम हो गया, जाम हो गया, अभी बस इसी से चलेगा, वो तेंदुए की तरफ जाएंगे और करेंगे उसको शूट। शूट नहीं करना, शूट मतलब कि कैमरे से, कैमरे से कभी मार पकड़े सो जाता है ना, ना ऐसा कुछ शूट नहीं करेंगे उसको, कैमरे से वीडियो शूट करेंगे उसकी। और ये भाई साहब है हमारे साथ वाइल्ड लाइफ के, और वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर है मिस्टर जयविंदर नेहरा, जो कि उधर से आ रहे हैं पैदल,
वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स को यहाँ पर डर नहीं लगता क्योंकि वो इस रास्ते से यहाँ से भली भांति वाकिफ है। और देख सकते हैं ये चारों तरफ ही यमुनानगर के बिलासपुर से आगे संधाई का जंगल है। हाँ जी, संधाई का जंगल है, यहाँ तो अक्सर आता रहता है, मैंने पहले भी कभी वीडियो बनाई थी। अच्छा, आज वो मैंने देखा कि वो बहुत हाइट पे चढ़ गया। अच्छा, अभी उसको उतारने का जो प्रोसेस है वो करेंगे, पहले ड्रोन ही नहीं स्टार्ट हो रहा है हमारा, ठंड में बैठेंगे ना अपनी में। चलो जी, हमारा तैयार हो गया ड्रोन और हम तैयार हैं इस गाड़ी में जाने के लिए जिस पर लिखा है हरियाणा सरकार और साथ में वाइल्ड लाइफ ऑफिसर। बहुत ही मत है यार, जो इतने रिस्क में जाते हैं। हमें तो चीते के नाम से डर लगता, तेंदुए के नाम से। ये तेंदुआ है कि चीता है? तेंदुआ, तेंदुआ पैंथर। ठीक है, पता नहीं चलता ना। तेंदुआ पैंथर कोलैबोरेशन, बैठ गए हैं गड्डी में। एक मिनट, कैंपस कोलैबोरेशन करनी ब्रो ना गाड़ी। एक मिनट ड्रोन को जो है सेट करने के बाद हम निकल चुके हैं गाड़ी में और आप देख सकते हैं कि आगे हमारे साथ वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर जो सर हैं वो चल पड़े हैं उस तरफ, क्योंकि हमने ये गाड़ी काफ़ी दूर जो है खड़ी करी है। और काफ़ी दूर खड़ी करने के बाद जो है हम इन्हीं की गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में, क्योंकि ये बलेरो पिकअप है गाड़ी और ये ख़ास तौर पर वन्य जीवों के साथ चलने के लिए, खेतों में क्या ऑफ रोड में सब चलने के लिए सक्षम है, तो अपनी गाड़ी हमने पीछे खड़ी कर दी और अब हम सर के साथ जा रहे हैं और वहाँ पर ड्रोन उड़ा के देखेंगे कि वाकई में क्या तेंदुआ वहाँ पे बैठा हुआ है, उसकी टांग वगैरह तो नहीं फंसी हुई। हो सकता है कि वो बेचारा ऊपर फंस गया हो और जिस वजह से वो आसपास ना जा पा रहा हो, नीचे ना उतर पा रहा हो। ड्रोन आजकल टेक्नोलॉजी आ चुकी है ना, टेक्नोलॉजी से ही सब कुछ पता चलता है उससे। अब जाके देखते हैं और वहाँ से ड्रोन उड़ाएंगे और ड्रोन उड़ा के जो है वहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ। तो दोस्तों, हम पर्टिकुलर वही जगह पर पहुंच चुके हैं और हमने गाड़ी मोड़ के ना एक साइड में लगा ली है। अब कोशिश करते हैं बाहर निकल के और सबसे पहले तो सर निकलेंगे क्योंकि हमारे में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि अब तक तेंदुआ ऊपर ही अटैक कर ले, इसलिए सर पहले उतरे हैं और सर आगे जाके देखेंगे कि क्या कुछ कंडीशन है यहाँ की, क्योंकि भाई जान से बढ़ के कुछ नहीं है और वो तो एक जानवर है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी जान हमारी जान से ज़्यादा कीमती है, हमारा क्या है, हमें तो कोई बात नहीं। लेकिन सबसे पहले हमें सब चीज़ों को देखने के बाद ही जो है आगे बढ़ना होगा। और ये आपने सामने देख सकते हैं, ये इस वक्त आप तो तेंदुए की जो तस्वीरें हैं वो देख रहे हैं। अभी मैं ड्रोन यहाँ से उड़ा दिया है और ड्रोन काफ़ी मैंने नज़दीक भेजा है और आप देख सकते हैं कि इसमें साफ तौर पर दिख रहा है। और सर मेरे को बोल रहे हैं कि साथ साथ इसको, ड्रोन को चारों तरफ घुमाया जाए और मैं कोशिश करता हूं कि आपको क्लोजअप शॉट दिखा सकूं। ये देख सकते हैं कि इस वक्त मैंने ड्रोन उड़ा दिया है, ड्रोन उड़ा के बिल्कुल ये देखिए जूम कर रहा हूं मैं, अभी मैं जूम आउट किया, ये सफ़ेदा है और इसके पास, और सर बोल रहे हैं कि इसको क्लोजअप लिया जाए, तो मैं इसको क्लोजअप ले रहा हूं और ये देख सकते हैं कि अब इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है ये तेंदुआ। ज़्यादा क्लोजअप लूँगा तो हो सकता है कि ये इस पर कूद लगाने के चक्कर में इसको कोई ऐसा पंछी वगैरह समझ के इसके ऊपर कूद लगाने की कोशिश करे और खुद ना चोटिल हो जाए, इसलिए हमें अपनी जान से ज़्यादा इसकी जान की भी हमें रक्षा करनी है क्योंकि ये भी एक जीव है। और देख सकते हैं कि ये बिल्कुल आराम से आराम फरमा रहा ऊपर बैठा है, मैं कोशिश करता हूँ जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये देख सकते हैं कि ये आराम से यहाँ पर बैठा हुआ है और ये दिन में यहाँ पर बताया जा रहा है कि भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी जिस वजह से ये यहाँ पर आके ऊपर बैठ गया था। और ये देखो जूम किया मैंने, आपको दिखा रहा हूँ जैसे कि जूम में, काफ़ी लंबी इसकी पूँछ है जो है और पूरी धारियों वाला। ये देखिए तस्वीर देखिए कितनी शानदार आप लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें क्योंकि देखिए कितनी जान जोखिम में डाल के हम पत्रकार आप लोगों के लिए वीडियो लाते हैं और आप घर बैठे एक लाइक नहीं करते हमारे लिए। तो देख सकते हैं कि कितनी कम से कम ये जो हाइट है ये 40 फुट की हाइट है, क्योंकि खुराना जी 40 फुट की हाइट तो होगी है जो हम देख रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल 40 फुट की हाइट थी और ये देखो थी नहीं सर, है ये सर हाइट हम यहीं पर मौजूद है। हमारे साथ जो वाइल्ड लाइफ ऑफिसर थे जयविंदर नेहरा हैं सर, वो हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ये इस वक्त तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। और ये तेंदुआ देखिए किस तरीके से ऊपर बैठा हुआ है। और हमारे साथ खुराना जी हैं, अजय खुराना जी हैं जो कि पत्रकार हैं यमुनानगर से, तो आपको हम पूरी कवरेज हम आप लोगों तक बस यही जानकारी पहुंचाते हैं। कभी भी आप पैनिक मत करें, हड़बड़ाहट में कोई भी ऐसा काम ना करें। ये देख सकते हैं कि ड्रोन की मदद से हम इस तक कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि ड्रोन की वजह से ये तेंदुआ नीचे भी आ जाए और अपने घर पर चला जाए। और ये देख सकते हैं कि ये साफ तस्वीरें हैं। मेरी आप सभी से अपील है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइव कवरेज हम आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। ड्रोन की मदद से आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से ये तेंदुआ जो है यहाँ पर ऊपर बैठा हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ लगातार आपको तस्वीर दिखाने के लिए। HR 71 के लिए यमुनानगर से सरनजीत सिंह।